नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत झा आप सभी लोगों का एसडी कैंपस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में अपनी मार फैलाता जा रहा है। जिस जहां भी देखो वहां कोरोना की ही खबरें आ रही है। कोरोना अपनी मारक क्षमता धीरे धीरे, कई बार खबरें आई कि कोरोना की मारक क्षमता कम हो गई, लेकिन कितनी भी कम हो गई हो, कोरोना का जो हमारा संक्रमण है वो फैलता ही जा रहा है और कोरोना से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। एक समय था जो विश्व भर में हमारे पास 2 लाख केस भी पहुँच गए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन आज हम इस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर कोरोना के केसेस 2 करोड़ को पार कर चुके हैं। आज का ताजा आंकड़े की बात करें तो 2 करोड़ 35 लाख केस हमारे पास विश्व भर में हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के पास अभी तक कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं थी कि हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकें। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें कोई वैक्सीन मिल जाती तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। और उसी अच्छी खबर को लेकर हमारे पास आया कौन? रशिया। तो रशिया में दोस्तों आज अभी जस्ट कुछ ही देर पहले हमारे पास खबर आई है कि रशिया ने पहली कोरोना वायरस की, कोविड की पहली वैक्सीन, विश्व भर में जो सबसे पहली वैक्सीन तैयार हुई है, जिसके सभी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। जैसा कि हमारे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि सारे ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं और उन्होंने ये तक जानकारी दी कि जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है उसका एक टीका उन्होंने अपनी बेटी को भी दिया है। तो दोस्तों, इस बात से ये बहुत बड़ी खबर देना चाहते थे व्लादिमीर पुतिन, और उन्होंने अपनी बेटी को टीका लगाया, इस चीज़ से वो पूरे विश्व को एश्योर करना चाहते थे कि नहीं भाई, हमारी जो वैक्सीन है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है और हम इस वैक्सीन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल रिलायबल वैक्सीन है। नहीं तो कोई भी प्रेसिडेंट, मैं मानूंगा कोई भी प्रेसिडेंट अपनी बेटी को देने का मतलब यही है कि वो अपनी उस वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी को दिखाना चाहता है, कितनी कारगर वो वैक्सीन है उसको दिखाना चाहता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आई, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई। तो देखो दोस्तों, सिंपल चीज़ें, मैंने आपको यहाँ पे न्यूज़ की क्लिपिंग लगा दी कि रशिया ने पहली वैक्सीन लॉन्च कर दी है। भाई, रशिया ने अपनी पहली वैक्सीन लॉन्च कर दी, आ जाओ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ की क्लिनिकल ट्रायल जो थे वो 18 जून से शुरू करे गए थे। कब शुरू करे गए थे? 18 जून से क्लिनिकल ट्रायल शुरू करे गए, जिसमें 38 वॉलंटियर को 2 ग्रुप्स में लिया गया था, 2 ग्रुप्स में, जिसमें से पहला ग्रुप आपका, आप देखोगे यहाँ पे 15 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि जिसमें कोविड का कोई भी आपका जो वैक्सीन दी गई उसका साइड इफेक्ट नहीं दिखा। और इवन हुआ क्या कि जो वैक्सीन दी गई वो किस लिए दी जाती है कि आपकी इम्यूनिटी टेस्ट कर सकें, आपकी इम्यून सिस्टम आपका डेवलप कर सके, एंटीबॉडीज की आप कोरोना वायरस लड़ सको। तो उसका सारी की सारी इम्यूनिटी डेवलप हुई और आपका जो वैक्सीन का कोई सा भी साइड इफेक्ट नहीं दिया। तो एक ग्रुप को 15 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया और दूसरा ग्रुप जो था वो 20 जुलाई को यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया गया कि भैया इनमें भी कोई संक्रमण नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला और इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। इसके बाद आती है कि प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने अपने जो हेल्थ मिनिस्टर है मिखाइल मुराशको, उनको बोला है कि कोविड वैक्सीन जो उन्होंने लॉन्च करी है उसके ऊपर हर चीज़ पे एक एक पॉइंट पे खबर रखी जाए और व्लादिमीर पुतिन को हर एक चीज़ की जानकारी दी जाए, ताकि WHO में जल्द से जल्द ये कोविड वैक्सीन रजिस्टर हो सके और इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो सके, ताकि ये पूरे विश्व को, सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि रशिया में जो है उसको कंट्रोल किया जाए और फिर पूरे विश्व को इसका फ़ायदा पहुंच सके। इस चीज़ के लिए सबसे पहले चीज़ ज़रूरत है रजिस्ट्रेशन की, जो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसके बारे में जानकारी दे दूं मैं कि वैक्सीन लॉन्च कर दी है लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन आज कल परसों में हो जाएगा और इसका पक्का है कि ये रजिस्ट्रेशन होगा ही, इस वैक्सीन को मान्यता प्राप्त होगी और ये वैक्सीन विश्व भर को फ़ायदा पहुंचाएगी। दोस्तों, आगे की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि भैया यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा एक टर्म इस्तेमाल किया कि दिस मॉर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड अ वैक्सीन अगेंस्ट द न्यू कोरोना वायरस वॉज रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे बोला गया कि क्या बोला गया पुतिन द्वारा, कि पहली, पूरे विश्व की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन रजिस्टर कर ली गई है और यहाँ पे आपकी वैक्सीन आ चुकी है। अब इसके बाद अब करना क्या चाहते हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये वैक्सीन किसने डेवलप करी है। तो वैक्सीन डेवलप करी है गमालिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, और किसके साथ मिलकर करी है? रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन जाता है आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के लिए, इसको ध्यान रख लेना किसने किया है। गमालिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी किसके एसोसिएशन में?
रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के एसोसिएशन में। इसके बाद क्या बोला गया कि प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का 12 अगस्त से 10 अगस्त तक शुरू हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लगभग अब शुरू हो ही गया है और रजिस्टर हो ही जाएगी। इसके बाद अब क्या रह जाता है हमारी वैक्सीन में, क्या होगा आगे का प्रोसेस, क्या सोच रहे हैं व्लादिमीर पुतिन या फिर पूरे विश्व को इस चीज़ से क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आज और सबसे पहली चीज़ है कि जो गमालिया इंस्टीट्यूट थी उसने क्या किया, एक प्रोडक्शन पे काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन पे काम कर रहा है। प्रोडक्शन के लिए उसने 3 इंस्टीट्यूट को चिन्हित किया है, अपने रशिया के 3 इंस्टीट्यूट को चिन्हित किया है। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है व्लादिमीर, यरोस्लाव और मॉस्को। ये 3 जगहों पर 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। क्या क्या नाम है, जेनेरियम, आर फार्म और बीनो फार्म। ये 3 कंपनी है, कहाँ कहाँ पे है, व्लादिमीर में, यरोस्लाव में, मॉस्को में। तो ये 3 जगहों पे 3 फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके साथ किसने बोला है, गमाले इंस्टीट्यूट ने बोला है कि इन तीनों संस्थाओं के साथ मिलके वैक्सीन को प्रोड्यूस करने का काम शुरू किया जाएगा और वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनाया जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि सेवरल थाउजेंड्स ऑफ डोसेज विल बी प्रोड्यूस्ड ईच मंथ दिस ईयर। इस साल के अंत तक, यानी कि अभी जो हमारे पास अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 5 महीनों में क्या किया जाएगा कि कुछ हज़ारों वैक्सीन बनाई जाएगी, कुछ हज़ारों वैक्सीन। वैक्सीन बनाने की क्षमता के बारे में इस पर डाउट नहीं कर सकते, लेकिन अभी के रिजल्ट के अनुसार कुछ हज़ार वैक्सीन हर महीने बनाई जाएगी और सबसे पहले जो दिया जाएगा वो डॉक्टर्स को दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। क्योंकि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोन है, सबसे ज़्यादा जो हमारे जो भारत में टर्म किया गया कोविड वॉरियर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे कोरोना वायरस के टाइम पे, उन लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी ताकि उन लोगों को बचाया जा सके और फिर इसका मास वैक्सीनेशन बाद में शुरू किया जाएगा। अक्टूबर तक कहा जा रहा है कि इसका मास वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि 2021 में मिलियंस ऑफ डोसेज बनाई जाएंगी, यानी कि मैंने क्या बताया 2020 के दिसंबर तक हज़ारों में बनाई जाएगी, लेकिन 2021 में पहुँचते इसका संख्या बढ़ा के क्या कर दिया जाएगा, मिलियंस में बनाया जाएगा, यानी कि लाखों में बनाने लग जाएंगे ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अब ये वैक्सीन जो बन गई है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने शब्दों में कहा है कि इस वैक्सीन के लिए कई देशों से बात चल रही है कि कई देश चाहते हैं कि वो अपने देशों में भी इस वैक्सीन का फॉर्मूला उठा के वो वैक्सीन बना सकें और इसके और इन कंट्रीज में इंडिया का नाम भी व्लादिमीर पुतिन ने शामिल किया है। तो ये खुशखबरी इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी है कि अगर इंडिया भी इस चीज़ में आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि जितनी भी वैक्सीन अभी तक कोशिश हो रही थी, जैसे भारत कोशिश कर रहा था या फिर और भी कई देश कोशिश कर रहे थे कि वो वैक्सीन बनाना अब छोड़ देंगे, कि रशिया की एक वैक्सीन बन गई कि भैया छोड़ दो अब हमारी वैक्सीन का तो काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। रशिया में भी लगभग 18 वैक्सीन कैंडिडेट्स थे जिसमें से एक को यहाँ पे मान्यता प्राप्त हो गई कि ये वैक्सीन सारे ट्रायल्स अपने पूरे कर चुकी है। बाकी 17 जो वैक्सीन के कैंडिडेट थे वो भी अभी उनका भी ट्रायल्स जारी रहेंगे और नई वैक्सीन बनाने की कोशिश जारी रहेंगी। तो भारत भी अपनी कोशिश करता रहेगा, लेकिन जो ये वैक्सीन प्रोड्यूस हो चुकी है इसका फ़ायदा उठाने की बिल्कुल ज़रूरत है और करना भी चाहिए हम लोगों को। तो भारत भी इसका प्रोडक्शन के लिए अब रशिया से हाथ मिलाने की कोशिश करेगा, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने अपने शब्दों में कहा है। आइए देख लेते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टर्स और टीचर्स को दी जाएगी, जो फ्रंटलाइन हमारे वर्कर्स हैं कोविड के। इसके बाद की चीज़ें देख लेते हैं। हेल्थ मिनिस्टर मुराश्को ने, मिखाइल मुराश्को, मैंने नाम बताया था, क्या बोला है कि मास वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, मास वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो इसी साल अक्टूबर में शुरू करेंगे। लेकिन इस चीज़ से हम लोगों को ज़्यादा खुशखबरी नहीं है, क्योंकि जो मिखाइल मुराश्को हैं वो रशिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं और वो जो बात कर रहे हैं कि वो मास वैक्सीनेशन का वो रशिया में शुरू होगा अक्टूबर तक। हमारे यहाँ पे कब तक आएगा, मास वैक्सीनेशन कब तक हो पाएगा, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, पर कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ भी आ जाए और हमें भी इसका फ़ायदा हो पाए। ये चीज़ है कि एपीवैक कोरोना ये इस वैक्सीन का नाम दिया गया है जो रशिया ने बनाई है और इसका ये क्या बोला गया है कि वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर और बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरल सर्विसेज द्वारा बनाई जाएगी और कंज्यूमर राइट्स में इसको दिया जाएगा, इसको स्थान कि सभी जगहों पे इसका बराबर से उपयोग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोरोना की ये वैक्सीन पहुंच सके। तो दोस्तों अभी के लिए सबसे बड़ी खबर यही थी कि हमारे पास कोरोना की एक वैक्सीन, विश्व की पहली वैक्सीन कोरोना की आ चुकी है जो रशिया ने निकाली है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।